प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके साथ, आप सबके बीच सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास ELKG UKG फर्स्ट में। इसके पहले आप सबको इंग्लिश में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और व्यंजन वर्ण को इंग्लिश में लिखना और स्वर अक्षर, स्वर की मात्रा को इंग्लिश में लिखना बताया जा चुका है। यह भी बताया गया था कि आप सबको इसके बाद की वीडियो में नाम लिखना बताया जाएगा, लेकिन कुछ बच्चों ने फ़ोन करके कहा कि सर जी, ELU के लेवल से थोड़ा टफ पड़ेगा, अभी आप थोड़ा सा और कुछ वर्ड्स और फ्रूट्स नेम, फ्लावर्स नेम और एनिमल्स नेम, बर्ड्स नेम के विषय में पढ़ाएं, उसके बाद जो है कि नेम लिखना बताएं। तो आज हम लोग जानते हैं कि जिस तरह से व्यंजन वर्ण में हिंदी में स्वर और व्यंजन होता है, उसी तरह से इंग्लिश में भी स्वर और व्यंजन होते हैं, जिसे वावेल्स और कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं। ये वावेल्स हैं पांच, AEIOU, तो इनसे बनने वाले पहले कुछ वर्ड्स ये पांच दिन पढ़ाए जाएंगे, उसके बाद आप सबको फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बर्ड्स और एनिमल्स के नेम के विषय में इंग्लिश में लिखाया पढ़ाया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो देखते हैं आज हम लोग ये साउंड्स वर्ड पढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है, ए साउंड वर्ड्स, ऐसे वर्ड हैं हर वर्ड में ए लगा हुआ है, तो इन्हें कॉपी पर लिखते हैं और पढ़ते हैं। देखिए लिखने का कुछ तौर तरीका, फोर लाइन में कैसे लिखेंगे कैपिटल लेटर में, ताकि राइटिंग आपकी सुधरे और सुंदर और साफ दिखे। तो देखते हैं, देखिए ये है R और सभी वर्ड्स, सभी लेटर जो है कि कैपिटल लेटर के हैं। आप फोर लाइन में जब लिखना शुरू करेंगे, सबसे पहले ऊपर की तीन लाइन में आपकी कॉपी में देखिएगा, ऊपर की लाल लाइन, नीचे की लाल लाइन, बीच में दो काली या नीली लाइन होती है। तो आप जब कैपिटल लेटर लिखेंगे, ऊपर की तीन लाइन में लिखेंगे, ऊपर की तीन लाइन में ये अक्षर ध्यान दें, ज़रा सा नीचे न हो और न ज़रा सा ऊपर हो, न इस लाइनों से छोटा हो यानी कि न तो बड़ा हो। ये छोटा बड़ा आप करते हैं तो आपका ये लाइन टू लाइन नहीं माना जाएगा, ये मानक से आप रॉन्ग लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं। तो देखिए, R A T जैसा कि लिखा गया है आपके ब्लैक बोर्ड पर, वैसा आपको कॉपी पर उतारना है, लिखना है और पढ़ना है। R A T इक्वल, इसके पहले मैंने प्लस को लगा के बताया था, अब आप सब उसको ऐड करके लिखना सीख चुके हैं, इसलिए बिना प्लस साइन के आपको आपके वर्ड को डायरेक्ट लिखा जा रहा है, और इक्वल के आगे इसे आप दो बार लिखिए ताकि आपकी राइटिंग सुधर जाए। तो देखते हैं, R A T, राइट, राइट मीन से आप जानते हैं चूहा, इसके पहले पढ़ाया जा चुका है। इक्वल के आगे आप इसे फिर उसी तरह सेम वैसा लिखेंगे, ए लेटर, तीनों लेटर एक साथ में लिखेंगे और फिर गैप दे करके फिर वर्ड को लिखेंगे। लिखते समय आप ध्यान दें, कोई अक्षर ऊपर नीचे ना होने पाए, सभी अक्षर की बनावट
और बनावट की मोटाई और लाइन के बीच में हो, न कि ऊपर हो, न कि नीचे हो, न तो छोटा हो न तो बड़ा हो। और दूसरे वर्ड पर चलते हैं, देखिए बी ए टी, बी ए टी से होता है बैट, बैट मीन से बल्ला। आगे इक्वल है, फिर इक्वल के आगे इसको देख करके वर्ड के सीध पर एक बार, फिर अगले वर्ड के सीध पर एक बार, ध्यान दें एकदम अक्षर के सीध पर अक्षर होना चाहिए ताकि दिखने में सुंदर दिखे और आपकी राइटिंग सुधर जाए। यहाँ देखिए बी आर ए टी के नीचे बी ए टी, आर ए टी के नीचे बी ए टी लिखा गया है और देखने में सुंदर दिख रहा है। जैसा कि हमने बताया इसके पहले, आर ए टी से रैट, रैट में से चूहा, बी ए टी से बैट, बैट में से बल्ला। तो यहाँ देखिए सी ए टी कैट, कैट में से कैट मीन्स बिल्ली। फिर आप रैट और बैट के सीध पर ही लिखेंगे, अक्षर के सीध पर अक्षर होना चाहिए, अक्षर के सीध पर अक्षर होना चाहिए और शब्द के वर्ड के सीध पर वर्ड होना चाहिए ताकि दिखने में सुंदर दिखे। और स्पेलिंग दो बार लिखने से राइटिंग भी सुधरेगी और स्पेलिंग भी आपकी याद हो जाएगी। और देखिए सभी वर्ड में ए का प्रयोग हुआ है, इसे कहते हैं ए साउंड वर्ड, ए साउंड वर्ड। तो चलते हैं बेटा अगले वर्ड पर, एम ए टी, एम ए टी से होता है मैट, मैट मीन से चटाई। आप सबके घर पर चटाई होगी, इसे फर्श पर बिछाया जाता है। इक्वल के आगे मैट को फिर एक बार लिखेंगे, ध्यान दें अक्षर के सीध पर अक्षर, अक्षर के सीध पर अक्षर हो, वर्ड के सीध पर वर्ड, यानी कि और वर्ड के सीध पर वर्ड लिखेंगे, अलग अलग रहेगा, दिखने में सुंदर दिखेगा। और दो बार लिखने से आपका अभ्यास कार्य भी होगा और आपको जल्दी में जल्दी से याद होगा। और अगले वर्ड पर चलते हैं, सी ए आर से होता है कार, कार में से कार या गाड़ी। आप इसका इसकी तस्वीर बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा छोटे में बना सकते हैं। देखिए देखिए ये है राइट, बैट ये है बैट और ये है कैट। और ये है मैट। ये है कार। देखिए आप एक बार फिर से फिगर को देखते हुए, फिगर को तस्वीर को चित्र को आप देख करके पहचान सकते हैं। ये है रैट, आर ए टी रैट, ये है बी ए टी बैट, ये है सी ए टी कैट और ये है एम ए टी
मैट ए है सी ए आर कार। आप फिगर के माध्यम से आप इसे जल्दी से समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं और स्पेलिंग को कॉपी पर लिख करके याद करें। अगले वीडियो में अगले वर्ड से ए ई आई ओ यू के पांचों वावेल से आपको ये वर्ड पढ़ाने के बाद आप सबको फ्रूट्स नेम, फ्लावर्स नेम, एनिमल्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, कलर्स नेम पढ़ाए जाएंगे। आज के लिए थैंक यू।